दोस्तों आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। एक होता है कटहल जो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, और ये कटहलिया है, हमारे यहाँ ऐसे गांव में कटहलिया कहते हैं। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो सब्जी दोनों की एक जैसी ही लगती है खाने में। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ये हमने लिया हुआ है 1 किलो, इसको हम पहले काट लेते हैं। चाकू पर हमने तेल लगा लिया है, आप चाहें तो नींबू लगा लीजिए हाथों पर और चाकू पर, ताकि ये चिपके ना। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ऐसी और रेसिपी मैं आपको हमेशा रोज़ देता हूँ, तो सपोर्ट करते रहिए आप लोग। तो इसका छिलका हम निकाल लेंगे ऊपर से, बहुत ही आसान होता है इसे काटना, और वैसे तो बाज़ार में भी आपको दुकानदार काट के दे देता है। तो इस तरीके से हम इसके पीस करेंगे। मैं थोड़ा सा काट के आपको दिखा देता हूँ। अब जो बीच का जो हिस्सा रहता है नीचे वाला, इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही हम बाकी कटहल भी काट लेते हैं। तो चलिए मैं सारा काट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ कटहल मैंने सारा का सारा काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं किचन में बनाने की तरफ। कुछ खास मसाले हैं जिसके साथ हम इसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिए हमने कढ़ाई, कढ़ाई में हम डाल रहे हैं तेल सरसों का। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तेल को गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे दालचीनी, 2 टुकड़े मैं डाल रहा हूँ छोटे, और यहाँ तेज़पात के पत्ते। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया, तो सूखा धनिया थोड़ा सा ही डालना है, 1/2 चम्मच, और सेम 1/2 चम्मच जीरा, उससे भी कम। और यहाँ डालेंगे मेथी दाने। अब हम कटहल को इसमें फ्राई करेंगे करीबन 2 मिनट। तो आप देख सकते हैं कटहल हमने काट लिया था, तो इसको हम डाल लेते हैं और 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। चला चला के आपको फ्राई करना है ताकि जले ना। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपको मसाले दिखाता हूँ क्या पीसना है हमें। तो यहाँ देखिए प्याज, ये हमने प्याज काट लिया है एक, और यहाँ पे हरी मिर्च, और ये पीली सरसों, और लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों को हम एक साथ पीसेंगे। सरसों यानी कि राई, काली वाली भी आती है वो वाली यूज़ नहीं करना है, पीली सरसों यूज़ करनी है आपको जो अचार में डालते हैं। तो यहाँ देखिए कटहल हमारा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ जो मैंने पेस्ट अभी बनाया था वो हम इसमें डाल देते हैं। अब करीब 1 मिनट तक हम पेस्ट के साथ भी इसे फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, तो यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ साथ डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे, तो ये मसाले का पानी था वही हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा। नीचे से जो लग रहा है वो लगे ना। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है गरम मसाला, तो ये मैंने घर पे पीसा हुआ है, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने काली मिर्च, दालचीनी वगैरह पीस लिया है इसमें, और नमक डाल दे रहे हैं स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी इस्तेमाल करेंगे, तो पानी ऐड कर देते हैं। अगर आप सूखी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो पानी कम ऐड कीजिए, मैं इसमें बहुत हल्की ग्रेवी रखूँगा। तो अब इसे ढक के पकाएंगे हम, और गैस को कर देंगे स्लो। तो करीब 2 मिनट हो चुके हैं और कटहल हमारा बनके तैयार है।
बहुत बढ़िया तरीके से गल चुका है। और जैसे कि मैंने कहा था ग्रेवी मैं कम रखूँगा, तो बहुत ज़्यादा मैंने कम ग्रेवी रखी हुई है। ठंडा होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी हुई है। इसमें डालते हैं हम हरा धनिया ऊपर से, और मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों कभी भी ट्राई कीजिए, कटहल की ये सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आएगी। और कटहल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।